Welcome back, dear students. Today our topic is understanding secularism. Secularism क्या होता है ये हम देखेंगे इस टॉपिक में. सेक्युलरिज्म समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टोरी समझाता हूँ. मानो आप अमेरिका में हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप वहाँ पे कहीं पे जो रेंट पे कोई फ्लैट लेने जाते हो, किसी को रेंट पे कमरा मांगते हो, तो वो आपको ये कहकर निकाल देता है, धुतकार देता है या आपको मना कर देता है क्योंकि आपका रिलीजन जो है आप मुस्लिम हो या आप हिंदू हो. ठीक है, आप वहाँ पे कोई चीज़ जो है लेना चाहते हो, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो. तो इस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आपके दिमाग में क्या होगा? दिल पे यही गुजरेगी कि क्या मैंने कोई चोरी की है कि मैं इस मजहब से बिलोंग करता हूँ या इस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ. उस वक्त आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी, या तो आपके दिमाग में ये पहली चीज़ ये आएगी कि जहाँ मैं रहता हूँ, से फॉर एग्जांपल आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में भी उनके खिलाफ यानी क्रिश्चियंस के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, जैसे USA में मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर वहाँ पे मुस्लिम्स या हिंदूज के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं कहूँगा मेरी कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ तो उसको रिटेलिएशन कहते हैं, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, कि मेरे साथ यहाँ पे ये ऐसा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में इनके साथ ऐसा हो. दूसरा आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि नहीं यार, हर एक जगह पे एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जहाँ पे सारे मजहब जो है सर ये बराबर हो. ठीक है, किसी को ये कोई मजहब डोमिनेट है, मतलब मेजॉरिटी में है, तो वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए. कोई माइनॉरिटी में है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. तो जो आपने दूसरा सोचा कि हर जगह पे ऐसा होना चाहिए था कि हर एक मजहब को इक्वली जो है हम इज्जत दें, इक्वली हम ट्रीट करें, तो उसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट मीन्स पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कंट्री को बोलते हैं. किसी भी कंट्री में जो मजहब है वो अलग होना चाहिए, और कंट्री स्टेट नेशन ये अलग होना चाहिए. इसको किसी भी मजहब के साथ कोई लेन देन नहीं है. इट हैज नो रिलीजन. A state or a country should have no religion. It should respect its citizen. It should respect an individual as it is. ये नहीं कि नहीं ये हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चन है, सिख है, बौद्ध है, क्या है, ये नहीं. हम इंसान को इंसानियत की नज़र से देखने चाहिए, उसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं. तो जितनी भी डोमिनेशन है रिलीजियस बेसिस पे, ये ख़त्म होनी चाहिए. सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन ऑन रिलीजन शुड एंड. ये मेन एसेंस है, मुद्दा सेक्युलरिज्म का यही है कि जितनी भी ये डोमिनेशन है, कहीं पे किसी मजहब के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो डोमिनेट करते हैं, किसी पे वो कहीं पे वो मेजॉरिटी में है तो वो डोमिनेट करते हैं, तो ये दैट शुड नॉट हैपन. ठीक है, हिस्ट्री ने हमें बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी दी हैं. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस. जैसे अगर हम हिटलर की बात, हिटलर आप सभी जब भी आप किसी जालिम को देखते हैं आप कहते हैं हिटलर. तो हिटलर जर्मनी का रूलर था, उसने क्या किया, उसने ज्यूज को बेतहाशा काट डाला. ठीक है, इसी तरीके अगर हम आज की बात करें इसराइल में जो मुस्लिम्स है, जो क्रिश्चियंस है, उनको वहाँ के जीव जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो बेतहाशा उनको मार रहे हैं. माइनॉरिटी है वहाँ पे, मेजॉरिटी में वहाँ पे जीव है, तो वो उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. रोहिंग्या मुसलमानों का आपने सुना है, यहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पनाह गुजर हैं, उनमें से उनको वहाँ से बर्मा से निकाला गया, उनको मार काट दिया गया, उनको ज़बरदस्ती उनके रिलीजन की बुनियाद पे उनको मार काट दिया गया और वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया गया. ये जो है, दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजिली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन. ये कब होता है? ये तब होता है अगर जो कंट्री है, जो स्टेट है, वो किसी रिलीजन को ज़्यादा अहमियत देती है, उसकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करती है, उनको ज़्यादा तरजीह देती है, या अपने जो जो कंट्री है, कंट्री किसी रिलीजन को अपना
रिलीजन बना लेती है, उस वक्त वो रिलीजन जो है वो डोमिनेट करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों हमें, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्यों हमें रिलीजन जो है वो अलग रखना चाहिए, स्टेट अलग रखनी चाहिए, रिलीजन और स्टेट का कोई वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। इसका सिंपल आंसर है कि अगर हमें डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है, एक कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है, डेमोक्रेसी का मतलब है ना कि द कंट्री बिलोंग्स टू ऑल, वहां पे कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रिएट नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने इंडिया में, अगर हम अनटचेबिलिटी के विद इन आवर सेक्ट्स ब्राह्मण जो है वो अपने आप को बड़े ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि एक कंट्री तब तक डेवलप नहीं हो सकती, तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि सारे लोग मिलकर इसको न चलाएं। और दूसरा, अगर हम इसका ये देखेंगे, जितनी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज दुनिया में, जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स है। अगर मानो कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है तो कहीं पे क्रिश्चियन ज़्यादा है तो कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेट करने लगे, अगर हम मारधाड़ करने लगे, तो एक कंट्री में एक के साथ ज्यादती होगी, दूसरी कंट्री में दूसरे के साथ ज्यादती होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये चक्रव्यूह चलता रहेगा, कहीं ना कहीं पे कोई अल्टीमेटली सफर कौन होगा, ह्यूमैनिटी, इंसान ही मरते हैं। रिलीजन तो बाद में, यहाँ पे आने के बाद हमें रिलीजन का पता चलता है, जो हिंदू के घर में जन्म लेता है वो हिंदू बन जाता है, मुसलमान के घर में जन्म लेता है मुसलमान बन जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो है ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स को अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, या हम किसी ह्यूमन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे रिलीजन वाले को किसी और कंट्री में वो रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, या हम किसी को काट डालेंगे, किसी और कंट्री में हमारा कट रहा होगा। तो यही बेसिक एसेंस है इस सेक्युलरिज्म का, कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, कि किसी भी रिलीजन को डोमिनेंस हासिल नहीं होनी चाहिए। वो शुड, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे सबको दिए गए हैं, वहाँ पे कोई जात, कोई नस्ल, कोई रिलीजन मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म। अगले चैप्टर, ये वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, क्योंकि सेक्युलरिज्म की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज का सेक्युलरिज्म देखेंगे।